हे एवरीवन, आरती शर्मा दिस साइड। हेलो एवरीवन, मैं सोनू मेकअप आर्टिस्ट ऑफ द वे फ्रॉम आरती सोनू मेकअप स्टूडियो एंड एकेडमी। जो आज हम आपके लिए एक लुक लेके आए हैं, ये है रिसेप्शन ग्लैमरस लुक। इसमें हमने आई मेकअप को थोड़ा लाउड और ग्लैमरस किया है, तो आप देखेगा हमने किस तरीके से ये लुक क्रिएट किया है। इसमें हमने आईज को ग्लैमरस किया है, थोड़ा लाउड किया है, वहीं हमने इनके लिप्स को बहुत सटल न्यूड में लेके गए हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए, स्टेप बाय स्टेप हम इसे कैसे हमने क्रिएट किया है, क्या क्या हमने इसमें प्रोडक्ट लिया है, तो उसके लिए आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा स्टेप बाय स्टेप। और हाँ, आपके लिए इसमें एक सरप्राइज़ है। सरप्राइज़ है, हमने इसमें जो बेस यूज़ किया है, जो ट्रांसल्यूसेंट पाउडर यूज़ किया है, और जो हमने आगे एक स्टेप और ऐड किया है, वो क्या है, उस सरप्राइज़ को देखने के लिए आपको ये वीडियो पूरी देखनी पड़ेगी एंड तक और ज़रूर देखिएगा और बताइएगा कि आपको वो स्टेप्स कैसे लगे। आपके लिए वो बहुत ही अमेजिंग होने वाले हैं, बहुत ही क्रिएटिव होने वाले हैं। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा एंड तक, और इस वीडियो का कोई भी पार्ट आप स्किप मत करना, क्योंकि इसमें बहुत नई नई टेक्निक भी यूज़ की हुई हैं। उन टेक्निक्स को आप भी फॉलो करके मेकअप कीजिएगा और हमें बताइएगा कि आपका लुक कैसा क्रिएट हुआ है। सेम मेकअप आप हमें करके बताइएगा कि आपका कैसा मेकअप हुआ, और जो भी कुछ आपको उसमें डाउट है या कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो उसके लिए भी आप हमसे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चंस कर सकते हैं और हम उसका आंसर ज़रूर देंगे। हे एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम आपके सामने लाए हैं एक और न्यू ट्यूटोरियल। जो हम आज लुक क्रिएट करना चाह रहे हैं, ये इंगेजमेंट लुक है। इंगेजमेंट लुक क्रिएट कर रहे हैं, और जो हम आपको आई मेकअप बताना चाह रहे हैं, ये आप इंगेजमेंट एंड पार्टी लुक में भी आप ये आई मेकअप क्रिएट कर सकते हो। तो आज ये आपको आई मेकअप बताएंगे हमने कैसे किया है। ये जो आई मेकअप हम करने जा रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल आप आईब्रो फिल करेंगे, देन आप आई बेस लगाएंगे। आई बेस लगाने के बाद उसको लॉक करेंगे, उसके बाद आप आई शेड कलर डालेंगे। जो मैं आई शेड कलर आज पे करूँगी, वो मैं मैजिक स्पेल आई शेडो पैलेट से ले रही हूँ। इसका फैंटास्मॉल ये कलर है, ये लाइट पिंक कलर है। और इसको अप्लाई करने के लिए जो हमने ब्रश लिया है, ये लार्ज ब्लेंडिंग ब्रश है PAC का। जब भी आप कोई भी एक लाइटर शेड अप्लाई करो, तो आपको कैसे करना है, जहाँ से हमारे आईब्रो का आर्ट शेप बनता है, आपको वहाँ से स्ट्रेच करना है। स्ट्रेच करके आपको एक लाइटर शेड अप्लाई करना है। ज़रूरी नहीं आप पिंक ही अप्लाई करो, आप लाइट ब्राउन कलर भी आप यूज़ कर सकते हो, डिपेंड ऑन योर क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट के हिसाब से, एंड अकॉर्डिंग टू ड्रेस भी आप कलर पिक कर सकते हैं। जब आप अपना एक आई शेडो बेस कलर लगा लें, क्योंकि आई शेडो बेस कलर हम किस लिए लगाते हैं, लाइट कलर, ताकि जो हमारे कंसीलर की विजिबिलिटी है वो हाइड हो जाए। दूसरा, हमारा जो कलर, जिसे अभी हम कोई भी कलर लगाएंगे, तो वो बहुत ही अच्छे से ब्लेंडेड लगे, जो भी हम इसमें अब कलर पिक करके लगाएंगे वो। और अभी जो आज हम आई मेकअप देने जा रहे हैं, इनको करने जा रहे हैं, वो है लिटिल बिट जो मैं इनको करूँगी, इनकी आईबॉल हाईलाइट करूँगी, समथिंग कुछ हॉलो आई मेकअप जैसा ही करूँगी, बट प्रॉपर मैं उसको कट क्रीज के साथ नहीं करूँगी। तो जस्ट मैं क्या करूँगी, इनकी आई बॉल को हाईलाइट करूँगी, बट वे होगा हॉलो आई मेकअप की तरह ही। नेक्स्ट स्टेप हम करने जा रहे हैं आई शेडो एप्लीकेशन। उसके लिए मैं ले रही हूँ बी परफेक्ट कान विल लव दैट इट का, मैं जो कलर ले रही हूँ यहाँ पर, ये मैं ले रही हूँ ब्लैक बेरी, ये है पर्पल कलर। और ये जो ब्लैक बेरी जो कलर लिया है, ये ब्लेंडिंग ब्रश के साथ हमने लिया है। ब्लेंडिंग ब्रश है, ये PAC का है, इसका नंबर है 229। जब भी आप शेड अप्लाई करो, तो जहाँ से हमारे आईब्रो का आर्ट शेप बनता है, आपको वहाँ से स्ट्रेच करना है और आई वॉल के बैक साइड से स्टार्ट करना है। क्रीज लाइन को फॉलो करते हुए आपको आउटर टू इनर कॉर्नर तक अप्लाई करना है। देन आपको जो आपका इनर कॉर्नर है, वहाँ से बैक साइड लेके आना है। फिर इसके बाद आपको एक अदर ब्रश आपको और लेना है, और जो क्रीज लाइन के जो ऊपर शेड है, उसको अच्छे से मर्ज करना है। आपका आई मेकअप हमेशा शेडिंग में आना चाहिए, ऊपर लाइटर, नीचे डार्कर। एक्चुअली जो आज हमारी मॉडल है, इनकी आईज लिटिल बिट पफी है, पफी होने की वजह से इनकी आईज में प्रोमिनेंसी नहीं है, और इनकी आई बॉल बहुत ज़्यादा विजिबल नहीं होती। थोड़ा सा आई बॉल को विजिबल करने के लिए मैं आज इनको सैटिन में कोई भी लाइट कलर दूंगी, वो आपको आगे पता चल जाएगा मैं कौन सा कलर अप्लाई करने वाली हूँ। जब आपका आई शेडो कम्प्लीट हो जाएगा, उसके बाद
हम सेम पैलेट मैजिक स्पेल आई शेडो पैलेट से इसका सैटिन कलर लेंगे जिसका नाम है क्योर। और क्योर कलर को अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना है, एक फ्लैट ब्रश लेना है, लार्ज फ्लैट ब्रश लेना है, और जहाँ से हमारे आईब्रो का आर्ट शेप बनता है आपको वहाँ से स्ट्रेच करना है। स्ट्रेच करके आपको सिर्फ और सिर्फ आपको आईबॉल पे कलर को अप्लाई करना है, वो भी डैबिंग फॉर्म में। डैब डैब करके आपको कलर अच्छे से अप्लाई करना है। ये देखिए, आप जैसे देख सकते हैं कि ये थोड़ा सा हमारा हॉलो आई मेकअप का इफेक्ट दे रहा है। और अगर कलर बहुत ही लाइट लगे तो आप उसकी रिटचिंग ज़रूर करना, और रिटचिंग एक से दो बार ज़रूर कर लेना, क्योंकि कई बार क्या होता है कलर का इंटेंस जो है बहुत कम आता है, इंटेंसिटी बढ़ाने के लिए आप रिटचिंग इसकी कर सकते हैं। जब आपका सैटिन कलर अप्लाई हो जाए उसके बाद आपको सेम ब्रश लेना जिससे आपने पर्पल कलर की एप्लीकेशन की थी, उसमें लिटिल बिट कलर लेना है और कॉर्नर्स को शार्पनेस देनी है। जैसे ये आउटर कॉर्नर है और ये इनर कॉर्नर है। अब आप देख सकते हैं ये बिल्कुल हॉलो आई मेकअप जैसा इफेक्ट दे रहा है और बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये अगर हम इसको कट क्रीज हॉलो के साथ करते तो वो थोड़ा सा आपका लाउड लुक देता है, और ये बहुत सॉफ्ट और सटल लुक दे रहा है। अब आपका जब आई शेडो और सैटिन कलर लग के पूरा कंप्लीट हो जाए उसके बाद आपको लाइनर की एप्लीकेशन करनी है। लाइनर की एप्लीकेशन जो मैं यहाँ पर लाइनर ले रही हूँ, एले गर्ल के लाइनर से मैं यहाँ पर लाइनर अप्लाई कर रही हूँ। ये एले गर्ल का ब्लैक जेल लाइनर है, और लाइनर लगाने के लिए हमने एक एंगुलर ब्रश लिया। ये क्रायलोन का एंगुलर ब्रश है, स्मॉल एंगुलर ब्रश। लाइनर लगाते वक्त आपको एक चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है, जहाँ से हमारा आईब्रो का आर्ट शेप बनता है सबसे पहले तो आपको वहाँ से स्ट्रेच करना है। स्ट्रेच करने के बाद क्रीज लाइन आईलैशेस है, आईलैशेस से बिल्कुल अटैच होते हुए आपका लाइनर अप्लाई होना चाहिए। अब हम जो नेक्स्ट स्टेप करेंगे वो करेंगे मस्कारा एप्लीकेशन। मस्कारा जो मैं ले रही हूँ यहाँ पर, यह है रिकॉर्ड वी स्टोल द शो करके है ये मस्कारा। ये बहुत ही अच्छा है, इसका मस्कारा एप्लीकेटर ब्रश बहुत ही अच्छा है, इससे बहुत ही इजी अप्लाई एप्लीकेशन होती है, बहुत इजीली आप अप्लाई कर पाते हैं। और मस्कारा अप्लाई करते वक्त एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखो, जो रियल है और जो फेक है वो दोनों आपस में मर्ज हो जाने चाहिए अच्छे से। और ये जो मस्कारा एप्लीकेटर ब्रश है आप मतलब अपर लैश और लोअर लैश दोनों पर यूज़ कर सकते हैं। आपका आई मेकअप कंप्लीट हो जाए फिर आपको फेस को क्लीन करना है मॉइस्चराइजर के साथ। फिर इसके बाद हम करेंगे बेस एप्लीकेशन। बेस एप्लीकेशन करने से पहले जो सबसे पहला हमारा स्टेप है ये मॉइस्चराइजर है। जब आप बेस एप्लीकेशन करेंगे उससे पहले आप करेंगे मॉइस्चराइजर एप्लीकेशन। तो ये मैं जो मॉइस्चराइजर ले रही हूँ ये मैक्सिमिया का है, मैक्सिमिया का वाटर बेस्ड मॉइस्चराइजर है। इट्स गोज टू ऑल टाइप्स ऑफ स्किन। स्पैचुला की हेल्प से जब पूरे फेस पे आपका मॉइस्चराइजर अप्लाई हो जाए फिर आपको एक ब्लेंडिंग ब्रश लेना है। ब्लेंडिंग ब्रश से पूरे फेस पे आपको मॉइस्चराइजर डैब डैब एंड ब्लेंडिंग फॉर्म में अप्लाई कर देना है। आफ्टर मॉइस्चराइजर एप्लीकेशन अब हम लगाएंगे ऑयल प्लस प्राइमर। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो हमारी मॉडल की स्किन है ये पूरी एक्ने प्रोन है, सेंसिटिव है, और बहुत ज़्यादा इनके फ्रेकल्स भी हैं स्किन पे और ओपन पोर्स भी हैं। तो आज जो हमारे पास स्किन है वो थोड़ी प्रॉब्लमेटिक स्किन है। जैसे कभी कभी आपका काफ़ी टाइम ये वाला कंसर्न रहता है कि ऑयली स्किन पे कैसे करना है या ओपन पोर्स वाली स्किन पे कैसे बेस एप्लीकेशन करनी है, या जो एक्ने प्रोन स्किन होती है उस पर बेस एप्लीकेशन कैसे करें। तो वो आज आप देखिएगा स्टेप बाय स्टेप हम कैसे बेस एप्लीकेशन करेंगे। तो हमारा सेकंड स्टेप है, यह है ऑयल प्लस प्राइमर है हर्ट्स ब्यूटी का। इसको आप 4-5 ड्रॉप आपको फेस पे अप्लाई करना है, डॉट डॉट करके आप अप्लाई कर सकते हो, और फिंगर की हेल्प से आप इसको अच्छे से मर्ज कर सकते हो। ये ऑयल प्लस प्राइमर है, आप इसको ऑल टाइप स्किन पे यूज़ कर सकते हो, बट डू नॉट यूज़ एक्सेस ऑयली स्किन पे आपको ये यूज़ नहीं करना है। और इसको आप देखना कैसे अप्लाई करना है डैब एंड ब्लेंडिंग फॉर्म में। अब जो नेक्स्ट स्टेप है हमारा ऑयल प्लस प्राइमर के बाद है ये एले गर्ल प्रो कंसीलर है। जो प्रो कंसीलर हम यूज़ कर रहे हैं ये ऑरेंज कलर करेक्टर यूज़ कर रहे हैं। इसको हमें यूज़ करना है अकॉर्डिंग टू स्किन प्रॉब्लम, जहाँ पे भी प्रॉब्लम्स हो आपको वहाँ पे यूज़ करना है। आपको पता है जो हमारी इंडियन स्किन होती है यहाँ पे बहुत सनबर्न या टैनिंग
और जैसे कि हमारी मॉडल के स्किन पर क्या है, फ्रेकल्स भी हैं, डिस्कलरेशन है, तो आपको ये जहाँ जहाँ पर प्रॉब्लम्स होती हैं ऑन द स्किन, वहाँ वहाँ पर आपको कलर करेक्टर यूज़ करना है। कलर करेक्टर यूज़ करते हैं तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना, आपको इसको डॉट डॉट करके अप्लाई करना है। डॉट डॉट करके अप्लाई करने के बाद आपको एक ब्यूटी ब्लेंडर लेना है और ब्यूटी ब्लेंडर से आपको इसको डैप डैप एंड ब्लेंडिंग करना है। अब आप देख लो बिल्कुल सॉफ्ट हैंड से डैप डैप एंड ब्लेंडिंग करना है। जब भी आप लिप्स के आसपास वर्क करो तो अपने क्लाइंट को बोलना है लिप फोल्ड एंड जब अंडर एरिया वर्क करो लुकअप और टैप टैप करके ही आपको इस शेड को अप्लाई करना है। जैसे कि आज वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आज आपको बताया था कि आज हम एक नए प्रोडक्ट को आपके सामने इंट्रोड्यूस करेंगे, तो वो कोई और नहीं है, वो है ग्लैमज़ा। ग्लैमज़ा के ये 3 शेड्स में फाउंडेशन है जो मैंने अभी अपनी मॉडल के हाफ फेस को कवर किया है, वो है ग्लैमज़ा का कुकी कैरेमल कुकी बेस फाउंडेशन। जो मैंने हाफ फेस जिससे कवर किया है वो कैरेमल कुकी है, ये नॉर्मल फेयर टू डस्की कॉम्प्लेक्शन के लिए है। और बाकी जो उसमें 2 शेड्स अदर हैं, एक जो शेड है उसका नाम है फेयर आइवरी, इट्स फॉर एक्सेसिव फेयर कॉम्प्लेक्शन, ये कुछ इस तरीके का दिखता है। एंड अदर वन इज़ लाइट बेज, ये ये फेयर कॉम्प्लेक्शन के लिए है। तो इसमें 3 शेड्स हैं, एक्सेस फेयर फेयर एंड थर्ड वन इज़ नॉर्मल फेयर टू डस्की कॉम्प्लेक्शन। मेरी मॉडल के ऊपर नॉर्मल फेयर टू डस्की कॉम्प्लेक्शन वाला यानी कैरेमल कुकी बहुत ही अच्छा कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, जैसे कि आप देख सकते हैं हाफ फेस पर मैंने उसकी एप्लीकेशन किया। देन मैं अभी आपको हाफ फेस पर उसको अप्लाई करके दिखाऊंगी। मैंने आपको जैसे बताया था इनके लिटिल बिट ओपन पोर्स हैं, तो जब भी आप ओपन पोर्स पर बेस एप्लीकेशन करें तो क्लॉक वाइज एंड एंटी क्लॉक वाइज आप अपने ब्यूटी ब्लेंडर को चलाएंगे और बहुत ही अच्छी तरीके से फेस पर बेस आपको लगाना है। जो बेस का एप्लीकेशन फॉर्म होगा वो ऑलवेज इन डैबिंग फॉर्म, क्योंकि ये हमारे लिक्विड फाउंडेशंस हैं, ये बहुत इजी अप्लाई हो जाते हैं, तो इसमें ब्लेंडिंग की इतनी नीड नहीं होती है, जस्ट आप इसको डैबिंग फॉर्म में ही अप्लाई करेंगे। जब हमारा बेस एप्लीकेशन हो जाए, बेस एप्लीकेशन के बाद वैसे तो हम कंटूरिंग करते हैं लेकिन आज हम पाउडर कंटूरिंग करेंगे, तो पाउडर कंटूरिंग करने से पहले इसलिए हम अपने जो बेस एप्लीकेशन किया उसको हम लॉक करेंगे लूज़ पाउडर से। जो हम लूज़ पाउडर यूज़ कर रहे हैं वो है ग्लैमज़ा, ग्लैमज़ा का ये लूज़ पाउडर है। आपको इसको पूरे फेस पे अप्लाई करना है, डैब डैब करके आपको पूरे फेस पे अच्छे से अप्लाई कर लेना है डैबिंग फॉर्म में। और मैं आपको बता दूँ ये जो लूज़ पाउडर है अगर आप देखोगे तो ये कुछ कुछ लॉरा मर्सी जैसा ही है और ये जो लूज़ पाउडर, फिर हम लूज़ पाउडर को बहुत ही अच्छे से अप्लाई करेंगे पूरे फेस पे, डैब डैब करके अप्लाई करना है। थोड़ा हैवी आपको लूज़ पाउडर अप्लाई करना है। अब आप देख सकते हो जो हमारी मॉडल्स हैं इनके फेस पे थोड़े से हेयर है, जब भी आप लूज़ पाउडर अप्लाई करोगे तो थोड़ा सा पैची इफेक्ट देगा, लेकिन अगर ये आपका पैची आता है तो इसको जो पैचीनेस है उसको कैसे ख़त्म करना है आपको ये मैं बताता हूँ। आपको पूरे ऑल ओवर फेस पे जब लूज़ पाउडर अच्छे से अप्लाई हो जाए फिर इसके बाद आपको एक मेकअप फिक्सर या एक सेटिंग स्प्रे करना है। इससे क्या होगा, जितना भी एक्सेस लूज़ पाउडर होगा वो हमारे स्किन में बहुत अच्छे से पेनिट्रेट हो जाएगा। मैं भी आपको करके भी दिखाऊंगा। सकते हो जो हमने लूज़ पाउडर अप्लाई किया है आप देख सकते हो इनके फेस पे थोड़ा सा ऐसा लग रहा है जैसे कि लूज़ पाउडर की एक्सेस क्वांटिटी हो गई है, लेकिन तब भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको माइक्रो फिनिशिंग मेकअप फिक्सर यूज़ करना है, यह है PAC का। इसको आपको पूरे फेस पे अप्लाई करना है, थोड़ा हैवी करके अप्लाई करना। इसका बेनिफिट क्या होगा, जितना भी लूज़ पाउडर हमारा स्किन पे होगा वो क्या होगा, स्किन में बहुत ही अच्छे से पेनिट्रेट हो जाएगा। अब आप देखना जब ये ड्राई होगा हमारा सेटिंग स्प्रे या मेकअप फिक्सर, अब देखना स्किन में और भी अच्छे से पेनिट्रेट हो जाएगा और आपका मेकअप और भी ज़्यादा लॉन्ग लास्ट हो जाएगा। अगर आपकी मॉडल या क्लाइंट को बहुत ज़्यादा जल्दी है तो फैन से ड्राई करना, अदरवाइज ज़्यादा जल्दी नहीं है तो उसको नेचुरल ड्राई होने देना। अच्छा हो गया, जब हमारा लूज़ पाउडर अच्छे से अप्लाई हो जाए फिर हम कंटूरिंग करेंगे। पाउडर कंटूरिंग हम यूज़ कर रहे हैं, ये जो पाउडर कंटूरिंग हम यूज़ कर रहे हैं ये पोज का पाउडर कंटूरिंग है। और जब भी आप कंटूरिंग शेड आप यूज़ करो तो जो हेयर लाइन है हेयर लाइन को फॉलो करते हुए आपको अप्लाई करना है, और फिर जॉ फिर नोज़ के दोनों साइडों पे आप लाइट लाइट कलर अप्लाई कर लेना, फिर ब्यूटी ब्लेंडर के साथ ही आपको डैब डैब करना है नोज़ के दोनों साइडों पे, आपको डार्कर कलर अप्लाई करना है आईब्रो से बिल्कुल अटैच होते हुए आपको मर्ज करना है। आपका पाउडर कंटूरिंग शेड अच्छे से अप्लाई हो जाए, अप्लाई होने के बाद
आपको एक ब्यूटी ब्लेंडर लेना है, ब्यूटी ब्लेंडर या फिर मेकअप स्पंज लेना है, उसको बहुत ही अच्छे से कंटूरिंग शेड को डैब डैब करना है। जहाँ पे आपने अपना कंटूरिंग शेड अप्लाई किया था उसी एरिया पे आपको डैब डैब करना है। और जो चिक्स बोन पे अगर आप कंटूर जो आपने करी है वो हमेशा ऊपर की साइड अपलिफ्ट होने चाहिए और जो हमेशा डाउन पार्ट में। अब हम जब हमारा लूज पाउडर अच्छे से अप्लाई हो जाए, कंटूरिंग हो जाए, कंटूरिंग के बाद हम अप्लाई करेंगे काजल। जो काजल हम यूज़ कर रहे हैं ये फेरा लूसी का काजल है पीच कलर, और इसको आपको वाटरी लाइन पे अच्छे से अप्लाई करना है, इनर टू आउटर और आउटर टू इनर। जब हमारा काजल अप्लाई हो जाए फिर हम करेंगे लोअर लैश स्मर्ज। लोअर लैश स्मर्ज के लिए हमने जो कौन सा जो कलर बंद करना है। आफ्टर काजल एप्लीकेशन अब मैं करूँगी लोअर लैश स्मर्ज। स्मर्ज करने के लिए मैं ले रही हूँ बी परफेक्ट कैनवल थर्ड लव डाइटेड से, सेम वही कलर जो मैंने आईज पर आई शेडो लगाया था, पर्पल कलर ले रही हूँ, जिसका इसमें नेम जो मेंशन किया हुआ है ब्लैक बेरी। मैं इसको पिक कर रही हूँ एक स्मॉल ब्लेंडिंग ब्रश के साथ, देन फिर मैं इस पर PSE का माइक्रो फिनिश मेकअप फिक्सर स्प्रे कर रही हूँ ताकि मेरा इसका जो फॉल है वो मेरे बेस पर ना गिरे। और इसके लिए हमने एक स्मॉल ब्लेंडिंग ब्रश लिया है। जब भी आप लोअर लैश को स्मर्ज करो, लोअर लैश से के जो आई लैसेस है इससे बिल्कुल अटैच होते हुए आपके ब्रश चलना चाहिए आउटर टू इनर की साइड आपको लोअर लैश। अगर आपको अच्छे से शेडिंग में मर्ज करना तो पीछे आप डार्कर रख सकते हो और फ्रंट की साइड लाइटर। जैसे आपने इस साइज में किया है सेम साइज में करना है आपको। सागर बनकर जब हम आई लैशेज एक बार काटना मैं बोलता हूँ ठीक है। जब आपका कंटूरिंग हो जाए और आपका लूज पाउडर अच्छे से अप्लाई हो जाए एंड देन लोअर लैश स्मर्ज हो जाए, फिर इसके बाद हम यूज़ करेंगे ये फेस हाइलाइटर है वाइज आर्ट का और शेड है इसका मून स्टोन। तो इसको आपको क्या करना है, जहाँ पे आपने कंटूरिंग करी है उसके अपोजिट पार्ट्स पे आपको फीचर्स हाइलाइटिंग करनी है, लाइक चेन एरिया, अपर लिप, नोज, फोरहेड, टी जोन एरिया। नोज पे जब भी आप हाइलाइटर यूज करो तो डैब डैब एंड ब्लेंडिंग फॉर्म में आपको यूज करना है, डैब डैब एंड ब्लेंडिंग फॉर्म में। फिर देन आपको चिक्स बोन, ये चिक्स बोन पे जब भी आप अप्लाई करो तो अपने मॉडल से क्लाइंट को बोलना है स्माइल और डैब डैब एंड ब्लेंडिंग फॉर्म में आपको अप्लाई करना है। चिक्स बोन से स्टार्ट करके आपको हेयर लाइन के साइड लेके जाना है, आप देख सकते हो डैब 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 देन ब्लेंड करते हुए आपको हेयर लाइन की साइड आपको मर्ज करते हुए ले जाना है। देख सकते हैं हमने फेस हाइलाइटर लगाया है। फेस हाइलाइटर आपको हमेशा एक चीज़ ध्यान रखनी है, जो आप फीचर्स हाइलाइटर हाइलाइटिंग करते हैं उसी पार्ट पर आपको फेस हाइलाइटर भी अप्लाई करना है ऑपोजिट टू कॉन्टोरिंग पार्ट। आफ्टर फेस हाइलाइटर अब हम लगाएंगे ब्लशर। ब्लशर जो मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ माई ग्लैम पोज HD ब्लश डुओ, ये मैं ब्लशर यूज़ कर रही हूँ। इसमें टू कलर्स हैं, मैं दोनों को ही मिक्स करके पिक कर रही हूँ ब्लशर ब्रश के साथ। देन मैं इसको जो अप्लाई करूँगी टॉप ऑफ द ईयर जो कॉन्टोरिंग पार्ट है वहीं से मैं इसको अप्लाई करूँगी इन डैबिंग फॉर्म। जब भी आप ब्लशर अप्लाई करो डैबिंग एंड ब्लेंडिंग फॉर्म में आपको अप्लाई करना है। जब भी आप ब्लशर अप्लाई करते हो तो एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है, जो आपने कंटूरिंग करी है कंटूरिंग से नीचे आपका ब्लशर नहीं आना चाहिए। ब्लशर अप्लाई करने के बाद आपको एक फ़ैन ब्रश लेना है, फ़ैन ब्रश के साथ आप इसको चाहो तो मर्ज भी कर सकते हो और चाहो तो आप अपना ब्लशर फ़ैन ब्रश के साथ भी अप्लाई कर सकते हो। सेम अदर हैंड भी आपको सेम ऐसे ही ब्लशर अप्लाई करना है। सबसे पहले आप करेंगे डैब, बैक साइड से आप बैक टू इन आना है आपको, आपको मतलब आगे से नहीं करना, अदरवाइज आपके जो ब्लशर की डिपॉजिटिंग है पूरा चीक बोन पर अप्लाई हो जाएगा और पैच बन जाएगा। अगर आप बैक साइड से ब्लशर की एप्लीकेशन करेंगे तो आपका पैच नहीं बनेगा और शेडिंग में आपका ब्लशर आएगा। आफ्टर हाइलाइटर एंड ब्लशर अब हम लगाएंगे लिप कलर। तो लिप कलर के लिए मैं जो पैलेट ले रही हूँ वो मैं ले रही हूँ शॉपरिल। जैसे कि आप देख रहे हैं इनका आई मेकअप थोड़ा मैंने लाउड किया है, ग्लैमरस लुक पर मैं गई हूँ,
तो मैं इनको लिप कलर बहुत ही सटल लगाऊंगी। तो इनको सबसे पहले हम करेंगे आउटलाइनिंग लोवर। आप देख रहे हैं इनका लोअर लिप थोड़ा सा, अपर लिप बड़ा है अकॉर्डिंग टू अपर लिप, तो मैं इनका लोअर लिप एज इट इज़ फॉलो कर रही हूँ और अपर लिप की अपर लाइन इनकी फॉलो कर रही हूँ एज अ गाइडलाइन। लिपस्टिक का पार्ट ना बहुत मेन पार्ट होता है, तो आप लिप कलर बहुत ही अच्छा लगाएं और बहुत पेशेंसली लगाएं। लिप कलर लगाते समय आप बस एक चीज़ का ध्यान रखें, आपका कलर चूजिंग बहुत अच्छा होना चाहिए। कलर आप बहुत जैसे कि आज हमने सारा बेस एप्लीकेशन लूज पाउडर सारा ग्लैमजा का यूज़ किया है, सेम मैं यहाँ पे ग्लैमजा प्रोफेशनल स्टूडियो फिक्स बंद करना का ऑल ओवर मेकअप पूरा कंप्लीट हो जाए अच्छे से। आप देख लेना कहीं पे फिंगर के निशान ना हो। फिर हम एंड में हम करेंगे मेकअप फिक्सर। ये जो मैं मेकअप फिक्सर यूज़ कर रहा हूँ ये माइक्रो फिनिशिंग मेकअप फिक्सर है, जिसको आपको पूरे फेस पे अप्लाई करना है।